वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन गाइज। तो फिर गाइज आज हम बात करने वाले एक ऐसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जिससे आप आपका जो वीडियो एडिट कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री में और बहुत ही इजीली। अगर आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं और आप वीडियोस अच्छी तरीके से एडिट करके अपलोड करना चाहते हैं तो फिर आपको ये ऐप नहीं सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया आपको लगने वाला है। और अगर आप कंपनी या फिर स्कूल या फिर कॉलेज में कुछ प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन तो फिर इससे आप इजीली एडिट कर सकते हैं, आपका पूरा इजीली एडिट हो जाएगा। तो फिर गाइस मैं इसे बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे आज लगा कि मैं इसका वीडियो बनाना चाहता हूँ तो फिर मैं बना रहा हूँ। तो फिर गाइस बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फिर गाइस चलिए जल्दी चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में। तो फिर लेट्स गो। सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिर गाइस ये आप देख सकते हो मैं होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो फिर गाइस ये रहा वंडरशेयर फिल्मोरा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मैं आ चुका हूँ। और गाइस मैं बता दूँ कि मैं जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था वो है वंडरशेयर फिल्मोरा, ये आप देख सकते हो। आपको इसे डाउनलोड करना है तो फिर सिर्फ आपको गूगल पे जाके filmora.wondershare.com पे क्लिक करना है बस, और फिर आपको मिल जाएगा वीडियो एडिटिंग सिंप्लीफाइड ये सब कुछ। और अगर आप बाय नाउ करना चाहते हो तो फिर आप बाय नाउ भी कर सकते हैं, और अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे फ्री ट्रायल भी है। तो फिर मैं बता दूँ गाइज मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रख दिया है। तो फिर गाइज मैं अभी इसे इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल नहीं इसे ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर गाइज ये ओपन हो रहा है मेरा वंडरशेयर फिल्मोरा। तो फिर ये आप देख सकते हो ऐसा इसका दिखता है जो होम स्क्रीन है। तो फिर इसे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और गाइज उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। आप अगर ये आप देख सकते हो वाइड स्क्रीन स्टैंडर्ड, इंस्टाग्राम के लिए पोर्ट्रेट मोड स्टैंडर्ड मोड वाइड स्क्रीन, तो फिर मैं यूट्यूब के लिए डालता हूँ तो फिर मैं वाइड स्क्रीन ही चूज़ करता हूँ। आपको इजी मोड भी मिल जाएगा, इंस्टेंट कटर एक्शन कैम टूल भी मिल जाएगा। मैं यूज़ करता हूँ फुल फीचर मोड तो फिर मैं फुल फीचर मोड में चलता हूँ। और भी गाइज ये आप देख सकते हो ये टोटली ओपन हो चुका है। तो फिर गाइज इसके लिए आप अगर नेट यूज़ करना चाहते हो तो नेट यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं भी, मेरा नेट अभी बंद है। तो फिर गाइज ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो पिछला वीडियो है वो मैंने एडिट किया था। और गाइज मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि आपको यहाँ पे मीडिया मतलब आप इससे इम्पोर्ट कर सकते हो यहाँ पे आपके जो मीडिया फाइल्स है जो आप शूट करते हो तो फिर इससे आप कर सकते हो इम्पोर्ट। और यहाँ पे फ्री में गाइज अवेलेबल किए गए हैं वंडरशेयर फिल्मोरा ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि गाइज नो कॉपीराइट पे है। और टेक्स्ट क्रेडिट भी आपको मिल जाता है अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो फिर ये आप देख सकते हो। मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन हो जा चल हो गया है गाइज ये डबल बार हो गया है। हाँ अभी आप ये देख सकते हो आपको कैसे इसे ये करना है, आपको इसमें क्लिक करना है और कुछ भी टाइप करके ओके कर देना है बस, ये सेव हो गया। और अगर आपको इसको म्यूजिक ऐड करना है तो फिर मेरे पास एक है म्यूजिक, तो फिर ये रहा म्यूजिक ऐड हो गया। अगर आपको इसे कट करना है तो फिर एक मिनट इसका साउंड, हाँ तो फिर मैं अभी इसे प्ले करता हूँ। तो फिर जब तक आपको ये जो है वो करना है तो फिर मुझे ना इधर तक यस 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 यस, तो फिर मुझे यहाँ तक ये जो सॉन्ग है वो करना है और बाकी सब कट करना है। तो फिर सॉन्ग को सिलेक्ट कीजिए, कट कर दीजिए यहाँ पे सीजर्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे उस पर, और ये कट हो गया। तो फिर उसके बाद गाइज हमें करना है अपना जो मीडिया है वो उसे इसमें डाल देना है। तो फिर
कि आप देख सकते हो यहाँ पे मीडिया मैंने डाल दिया, फिर सब कुछ स्क्रॉल डाउन कर दिया, मेरा सारा वीडियो इसमें मैंने ये कर दिया। तो फिर गाइज मैंने सब कुछ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर दिया है। तो फिर गाइज उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हम भूल जाते हैं जो कि है ट्रांजिशन, और वो हमें मिल जाता है। तो फिर यहाँ पे गाइज बहुत सारे ट्रांजिशंस आप सबको मिल जाते हैं। मेरा जो सबसे फेवरेट ट्रांजिशन है वो है ये वाला, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हाँ ये वाला, तो फिर मैं अभी इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो फिर ये सबसे फेवरेट है मेरा। तो फिर आपको इसे कैसे ऐड करना है मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे सिर्फ किसी भी एक सेक्शन पे जाइए, ऐड कीजिए, ये ऐड हो जाएगा। तो फिर आप ये देख सकते हो, देखा ऐसे गोल घूमकर वापस एक नई स्क्रीन पे आ जाता है। तो फिर ऐसा है, ये वर्क करता है। तो फिर आपको बहुत ही इजीली ट्रांजिशंस भी मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं फिल्टर्स। तो फिर अगर आपको ऐसा कुछ फिल्टर बनाना है तो फिर आप देख सकते हो ऐसा फिल्टर आप बना सकते हो। तो फिर मैं इसे भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे ओवरलेज भी मिल जाते हैं हमें, जो कि ऐसा कुछ दिखता है। तो फिर ये डाउनलोड कहने को बोल रहा है, तो फिर मैं तो इसे नहीं करने वाला, मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। तो फिर मैं अभी दिखाता हूँ आपको ये कैसे दिखता है। तो फिर गाइस ये आप देख सकते हो ऐसे दिखता है ये, जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है गाइस। तो फिर अगर आप कर सकते हो ओवरलेज तो फिर आप कर लो। और फिर एलिमेंट्स की बात करें तो फिर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला मैं दिखा देता हूँ आपको। तो फिर गाइज ये आप देख सकते हो ऐसा लव का आ जाता है आपको, और उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन आ जाती है इसमें। तो फिर गाइज मैं यहाँ पे एंड में कर देता हूँ। और अगर मुझे ये जो दो स्क्रीन है तो फिर मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉप जोन वन। तो फिर ये एक ड्रॉप जोन हो गया और ये ड्रॉप जोन टू। तो फिर गाइज ऐसे आप कर सकते हो। और अभी इसे मैं प्ले करता हूँ, तो फिर ये आप देख सकते हो ऐसा आप कर सकते हो ओके दबा के, और ऐसा है। और फिर आप इससे एक्सपोर्ट कर सकते हो आपके किसी भी एक्टिवेशन कोड मांग रहा है। पर गाइज मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, उससे पहले आपको करना है रेंडरिंग। तो फिर आपको इस रेंडर टाइमलाइन पे जाना है और ये रेंडरिंग शुरू हो जाएंगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगी और बस आपका वीडियो रेंडर होने के बाद आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो बहुत इजीली आपके किसी भी फाइल में। और फिर भाइयों उसे अपलोड कर दो यूट्यूब पे, या फिर प्रेजेंटेशन आपका तैयार हो गया। तो फिर गाइज आज का वीडियो यही तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, और कमेंट करो कि कैसा लगा। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो बाय बाय गाइज़।